अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम यौमे आयन के मौके पर भारत का आयन पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले मोहतरम सरवर सर को आवाज देता हूँ कि वो भारत का आयन पढ़े। भारत का आयन। हम भारत के आवाम मतानत व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक खुद मुख्तार समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ समाजी मुआशी और सियासी आज़ादी ख्याल इजहार अकीदा दीन और इबादत मसावात बाएतबार हैसियत और मौका और इन सब में उखुवत को तरक्की दें जिससे फ़र्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन जरिए एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत। जय हिंद। उसके बाद मैं मोहतरम चांद सर से गुजारिश करता हूँ कि वो अंग्रेजी जबान में यहाँ पर भारत का आयन पढ़े। The people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political liberty, thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity and to promote among them all. Patriotism assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution.